कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की ओर से कराई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पार्टी ने भाजपा पर अधिकारियों के जरिए मतगणना प्रभावित करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और शक्ति सिंह गोहिल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निष्पक्षता के साथ मतगणना सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सिंघवी ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जिससे यह जाहिर होता है कि किस तरह से अधिकारी चुनाव में मतगणना को प्रभावित कर रहे हैं। सिंघवी ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायालय के संज्ञान को गंभीरता से लें और जिम्मेदार को दो अधिकारियों को बर्खास्त करें और आगामी चुनाव में कोई अधिकारी ऐसी हिमाकत न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि ढोकला विधानसभा चुनाव परिणाम के विरुद्ध याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय का आंतरिक आदेश आया है जिसमें दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है। एक निर्णय आया है दोस्तों, कल उच्च न्यायालय गुजरात जिससे निकट संबंध रखते हैं मेरे मित्र, वहां के न्यायाधीश का, वहां के कोर्ट का, उसमें सीधा ये मालूम पड़ा है कि किस प्रकार से वरिष्ठ कर्मचारी सरकार के, गुजरात काडर के और सेंटर के आईएएस, किस प्रकार से जो समतल जमीन होनी अति आवश्यक है चुनाव के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको विकृत कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, ये मुद्दा विशेष रूप से सिद्धांत के रूप से, ये कोई ए और बी की बात नहीं है, इस केस की बात नहीं है, सिद्धांतिक रूप से ये अगर आप समतल जमीन नहीं रहने देते चुनाव के वक्त तो सीधा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।